हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज 16 जून एंड अभी बाहर हो रहा है बारिश हर वक्त की तरह। आज देखते हैं कोई सिनेमेटिक शॉट या टाइम लैप्स ले पाते हैं या नहीं। बारिश का मौसम जाने का बाद तो बहुत ज़्यादा सिनेमेटिक शॉट होगा, टाइम लैप्स भी होगा। और अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है वो लगभग ख़त्म होने को ही है, ख़त्म नहीं हाफ हो गया है मान लो, क्योंकि सर्किट जो है वो रेडी हो चुका है। अभी टेस्टिंग करूँगा, कल टेस्टिंग नहीं हो पाया था। टेस्ट करने के बाद कोडिंग करना पड़ेगा। फिर से हनी और नींबू का वाटर गर्म पानी में, एंड सुबह सुबह मैंने ये सब बना लिया, आज कंप्लीट करना है। मैं ये तोड़ रहा था, देखो भाग के आ गया। क्या चाहिए हाँ? अभी जो सर्किट है, सर्किट कनेक्शन है, वो हो गया है कंप्लीट। गाइस फाइनली मेरा जो कोडिंग है वो रन हो गया है यहाँ पे, ये देखो इस मॉड्यूल पे। तो अभी जो काम बाकी है वो हो रहा है मेरा इलेक्ट्रिक कनेक्शन करना इसके साथ। तो मिलते हैं कनेक्शन के बाद, आज ही कर लेंगे शायद। अभी तो दोपहर का 3:30 बज गया है, तो मैं शायद थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा अभी, फिर इसको लेके बैठूंगा। मेरा जो खाना है आ चुका है, एंड अभी जो व्लॉग एडिटिंग है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। अभी एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दूंगा। आज सुबह से इसको प्यार नहीं किया ना, इसलिए आकर बुला रहा है मुझे। अभी बुका रहा था, क्या हो गया रे बच्चा? हाँ क्या हो गया बच्चा, नाराज है मुझसे, दिन भर नहीं आया मेरे पास। क्या चाहिए, इतना नाराजगी, बार बार मुंह मोड़ ले रहा है। क्या चाहिए तुझको, मैं तो हूँ तो यहाँ पे। हाँ अब आया ना, थैंक यू। गाइस मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ एक प्रॉब्लम के बारे में, वो मेल हो या फीमेल हो, सबको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज अबाउट अ मेंटर ऑफ आवर लाइफ। क्लास 12 तक तो आपका गार्जियन जो है वही आपका मेंटर होता है, मेंटली सपोर्ट भी देते हैं। सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका फादर एंड मदर की ओर से मिल जाता है आपको। लेकिन 10+2 का बाद आप आ जाते हो कॉलेज पे डिग्री करने, आइदर मेडिकल पढ़ने, आइदर डिप्लोमा करने, कुछ भी करने, तब जरूरत पड़ता है एक ठो मेंटर का। क्योंकि हमारा जो लाइफ है वो कॉलेज में जाके क्या होता है, पूरा खुल जाता है। बहुत कुछ खुद को करना पड़ता है, खुद को पैसा मेंटेन करना पड़ता है, जो पॉकेट मनी दिया जाता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, उसके पैरेलल जो स्टडी है उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत सारा जो स्टूडेंट्स है वो तो ईजिली कर लेता है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट है जो
इसमें पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, फ्रस्ट्रेटेड होके अकेला रहना चाहता है हर वक्त। एक मेंटर का क्यों यहाँ पर ज़रूरत है? तुम्हारा जो पर्सनल प्रॉब्लम है, मेंटली जो दिक्कत हो रहा है लाइफ लीड करने में, वो मेंटर सॉल्व करेगा। मैं फर्स्टली एक पीजी में गया था, पीजी में रहता था, वहाँ पर जो बड़े भैया होते थे वो लोगों ने बहुत गाइड किया, छोटी छोटी चीज़ में वो गाइड किया। वो लोग थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहता है एंड उनके बदले बहुत सारा सपोर्ट। कभी कभी मेरे बुखार भी आया था 101, तो तभी भी वो लोग बहुत हेल्प किए थे, बहुत, मतलब मैं बता नहीं सकता। इस तरह का कुछ मेंटर ज़रूरत होता है जो आपको फिजिकली एंड मेंटली सपोर्ट कर सकता है। मेरे जो कॉलेज का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर था डिप्लोमा कॉलेज का, कॉलेज में कोई मेंटर नहीं था क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज था। फिर मैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर देखा, वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में मेंटर होता है, हम लोग जाके शेयर कर सकते हैं। मैं तो फिलहाल एक्सपीरियंस्ड हो गया था तो मुझे उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं था, लेकिन फर्स्ट जो स्टूडेंट 10+2 देकर आता है उस कॉलेज में, वो लोग को ज़रूरत पड़ता है कभी कभी। तो मैक्सिमम बंदे में होता है साइनस, मतलब जाकर सर को बोलूँ कोच डरता है बहुत, क्योंकि उसका प्रोफेशनल लाइफ, मतलब कॉलेज लाइफ में भी इफेक्ट हो सकता है। खुद का जो मेंटर है इसको बिल्डअप करने का उपाय क्या है? अभी के वक्त में बहुत सारा है, क्योंकि अभी घर घर में मोबाइल में यूट्यूब अवेलेबल है, यूट्यूब में बहुत सारा चैनल है, वहाँ से आप मोटिवेशन ले सकते हो कभी कभी, जैसे संदीप मैसरी जी हो गया, विवेक बिंद्रा सर एंड भी बहुत, गुरु गोपाल दास, ऐसे ऐसे कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं। तो ऐसे कुछ चैनल से आप मोटिवेटेड हो सकते हो, तो आप खुद को ही मोटिवेट कर सकते हो इस फोन से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप अगर बहुत डीमोटिवेट रहते हो तो इस तरह का सॉल्यूशन अभी अवेलेबल हो गया है सभी माध्यम में, यूट्यूब में हो रहा है, फेसबुक में भी है बहुत सारा, आप वहाँ से गाइडेंस ले सकते हो, आपका जो लाइफ है वो सही ट्रैक पे ला सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए आप लोगों के दोस्त के साथ एंड फैमिली मेम्बर के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।